हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग एक अनबॉक्सिंग ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, उनको पता है कि मैं कभी कभी ब्लॉग डाल देता हूं। बट आज से मैंने सोचा है कि हम हफ्ते में 2 या 3 ब्लॉग तो कम से कम दिया करेंगे, और वो ब्लॉग किस कॉरपोरेट लाइफ से ही रिलेटेड होंगे या ट्रैवल ब्लॉग होंगे। तो उन सब के लिए सबसे पहले मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है माइक की, और एक हमारा ट्राईपॉड होता है उसकी। तो मैंने अमेजोन से वो दोनों चीज़ मंगा ली हैं, तो अब उसके अनबॉक्सिंग वीडियो देखने वाले हैं। मैं साउंड क्वालिटी वगैरह सारी ही चीज़ बताएंगे कि कैसा है उसका मटेरियल है, क्या है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। तो ये है अमेजोन ने भेजा है मेरे को, शायद अमेजोन के पास पॉलीथिन पैकिंग ये कम पड़ गई थी, तो उन्होंने निकला हुआ ये थोड़ा। देखते हैं इसको ओपन करके। तो गाइस अमेजोन का पैकेट मेरे पास अब रखा हुआ है, और अब चलो जल्दी से विदाउट टाइम वेस्ट हम इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या अब इसमें क्या कैसा होने वाला है। चलो भाई, तो सबसे पहले एड ऑफिस फ्लेक्सिबल गोरिल्ला पॉड ट्राईपॉड, जो कि मैंने मंगाया है अब अमेजोन से, और अब इसको देखते हैं कि इसकी कैसी बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब एकदम जेन्युइन रिव्यूज़ में देने वाला हूँ। कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने अपने व्लॉगिंग के लिए मंगाया है, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था। तो अब चलो देखते हैं क्या होने वाला है इसके अंदर। और हाँ, दूसरी चीज़ मैंने मंगाई है बोया BY-V20, जो कि बहुत अच्छा माइक है इस बजट में, जो मेरा बजट था उसमें बहुत अच्छा माइक होने वाला है ये। तो इसका सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटमेंट था मेरे को कि कैसा होने वाला है, इसकी वॉइस कैसी होने वाली है, तो वो सब इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो शुरू कर दो अब तो फटाफट से। अरे निकल जा भाई, इसको भी साइड में रखते हैं। तो ये है आपका गोरिल्ला ट्राईपॉड, इसके साथ ये कुछ है आप देख लो, पता नहीं, मेरे को तो नहीं पता है क्या चीज़ है, लगता होगा कहीं कैसे ही इसको उठाओ। मेन चीज़ होने वाली है ये, जो कि हमारा फ़ोन होल्ड करेगा, और मुझे हाथ में लेके इसकी फील काफ़ी हैवी, मतलब काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी लग रही है। और आप देख लो, कोई ऐसे ये वायर वाली नहीं है, जो कि वो टूट जाती है, बहुत हल्की होती है ऐसा मैंने सुना है और लोगों से। तो ये प्लास्टिक में है, अच्छी है, प्लस इसमें ये रबड़ वाला फॉर्म है, तो फ़ोन को भी कोई डैमेज नहीं होने वाला, ठीक है, काफ़ी अच्छी है, मतलब जैसा मैंने सोच के मंगाया था वैसी ही, नो डाउट। इस बजट में जो चीज़ मेरे को चाहिए थी वो इसमें है। और हाँ, एक चीज़ और, ये इसका जो आप वॉल माउंट देख रहे हो ना ऊपर, जहाँ मैं इसको लगा रहा हूँ, ये देख रहे हो ना, ये 360 है। तो मेरे को बेसिकली यही चाहिए, और सभी मतलब ब्लॉगर को जो भी ब्लॉगिंग शुरू करने वाले हैं या जैसे भी है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर सपोज़ करो हमको उस पोर्ट्रेट में वीडियो बनानी है, तो हम इसको ऐसे करके बना सकते हैं। अगर हमें लैंडस्केप में बनानी है, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे। तो बेसिकली जब हम इसको पकड़ते हैं, तो इस बॉल माउंट की मदद से हम इसको किसी भी एंगल में रख सकते हैं, ऐसे 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 किसी भी एंगल में, और इसको यहाँ से हम टाइट कर देंगे, तो ये फिर कहीं नहीं जाएगा, इधर फिक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को। अब मेरे को देखना यह है कि टाइट होने के बाद वो कर तो रहा है, बट होल्ड कर लेगा अभी तो, कर लेगा, हाँ ठीक है, होल्ड कर लेगा। और इसमें मैं फ़ोन भी लगा के आपको दिखाने वाला हूँ। तो एक सब उससे पहले, लेकिन हम अपना बोया का माइक, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उसको देख लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि जो इनका स्टैंड है ना, यहाँ इसको हम रोटेट कर सकते हैं जिस एंगल पे हमको खोलना हो। एक तो मैक्सिमम एंगल है इसको खोलने का, ये इतने एंगल पे आप खोल सकते हो, दिखा देता हूँ मैं उठा के, इस एंगल पे आप इसको खोल सकते हो। दूसरा, अगर इसको हम थोड़ा और रोटेट करेंगे, तो इसका मिनिमम एंगल हो जाएगा, वो है ये, इससे ज़्यादा हम इसको फिर ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक। और बिल्कुल ही ओपन नहीं करने, तो थोड़ा सा इसको सेंटर में रखेंगे इस तरह से, फिर तो हम इसको ओपन ही नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को, प्लस ये चीज़ भी फ्लेक्सिबल है, कोई ऐसी टाइट नहीं है, फ्लेक्सिबल चीज़ है, बस पकड़ो और निकल जाओ शूट पे ब्लॉग के। और सब्सक्राइबर होंगे अब तो गाइज आप भी सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़ मेरा चैनल, आपको इसको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलने वाले हैं, और ख़ासकर जो नए ब्लॉगर हैं, मैं भी एक नया ब्लॉगर हूँ, जो भी सामान मेरे को चाहिए होता है रिव्यूज़ में, उनका सबको आपको दूंगा। तो गाइज देखिए, ये मैंने आपको बता दिया था
गलती से मैंने अभी ओपन कर दिया बातों बातों में, गोया BY V20। तो इसके अंदर हम यार ये सब बड़ा खुल गया सब, तो इस एक सेकंड बस आपके लिए मैं इसको दोबारा लगा देता हूँ ऐसे। ये इस तरह से आपको इसमें माइक मिलने वाले हैं दो, मेरे को दो की ज़रूरत थी तो मैंने दो मंगाए, प्लस एक मैनुअल मिलने वाली है, और ये दो टाइप सी के केबल। ये मैंने टाइप सी, मैं एंड्रॉयड चलाता हूँ, एंड्रॉयड फ़ोन से ही सारी रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, तो ये टाइप सी का मेरा फ़ोन है तो उसके लिए मैंने टाइप सी। एक इसमें आईफोन की भी आती है, अगर कोई आईफोन यूज़र है तो वो भी ले सकता है। तो अब चलो इसको सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं गोरिल्ला ट्राइपॉड के साथ, तो दिखाते हैं आपको पूरा रिव्यू, कि मैं मार्केट में भी जाऊंगा, इंडोर भी शूट करूंगा, सारी चीज़ दिखाऊंगा, कैसी वॉइस क्वालिटी होने वाली है मेरे को भी नहीं पता। तो गाइस चलो देखते हैं। तो गाइस हमारे पास हमारी फ्रेंड का एक फ़ोन आ चुका है, अब हम इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है, ये टाइप सी का पोर्ट है, तो हम इसको लगाते हैं यहाँ पर। और इसमें दो बटन है, ब्लू और ब्लैक। ब्लैक बटन को हम 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो इसमें लाइट ऑन हो जाएगी ब्लू। देखिए लाइट ऑन हो चुकी है इसमें, और अब ये ऑन हो चुका है विदाउट नॉइज़ रिडक्शन ऐसा है। तो मैं इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ, तो इसके कनेक्ट करने के बाद जब आवाज़ आएगी तो वो इस माइक से आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस अब ये ऑन है, हमने अब जो आवाज़ आ रही है वो इस माइक से आ रही है, और ये विदाउट नॉइज़ रिडक्शन आ रही है, फ़ोन भी आ चुका है चलो अच्छे टाइम पर। फैन हमारा इस रूम में चल रहा है, नॉइज़ रिडक्शन ऑन है नहीं, विदाउट नॉइज़ रिडक्शन आवाज़, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरह की आवाज़ आएगी, और मैं शांत होकर भी दिखाता हूँ फिर ये सराउंडिंग की आवाज़ कितनी कैप्चर करता है। एंड गाइज वन थिंग मोर, मेरा ये 5th फ्लोर पर है अपना फ्लैट, और रोड साइडेड है तो बाहर का ट्रैफिक भी आ रहा होगा इसमें शायद, तो आप वो भी चीज़ देख सकते हैं, जब मैं बोल रहा हूँ तो वो शांत हो गया होगा, और जब मैं शांत होता हूँ तो उधर से आवाज़ आनी शुरू हो गई होगी। तो अब शुरू करते हैं इसका नॉइज़ रिडक्शन, अब फिर देखते हैं कितनी आवाज़ ये कैप्चर करता है अच्छे से। तो इसको हमको एक बार प्रेस करना होता है और इसमें लाइट चेंजेस हो जाते हैं ग्रीन, तो ये ग्रीन लाइट चेंज हो चुकी है, इसका मतलब इसमें नॉइज़ रिडक्शन ऑन हो चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसने कितनी सराउंडिंग की आवाज़ कितनी ख़त्म कर चुके हैं, फैन की आवाज़ पहले आ रही होगी बट अब वो भी नहीं आ रही है, रोड साइड लाइट की भी बंद हो गई है। अब मैं शांत होता हूँ तब देखते हैं तब कितनी ये कैप्चर करता है। तो ये था इसका नॉइज़ कैंसिलेशन का, आपने देख लिया होगा नॉइज़ रिडक्शन का। अब मैं बालकनी से ही आपको अभी मैं बाहर लेके भी चलूँगा बट अभी बालकनी का देख लेते हैं, आप देख ले कि अभी नॉइज़ रिडक्शन ऑन ही है, तो बालकनी पे चलते हैं बाहर। वैसे अभी आप देख पा रहे होगे इसका नॉइज़ रिडक्शन ऑन नहीं है, ब्लू लाइट मतलब नॉइज़ रिडक्शन ऑन नहीं होता, नॉर्मल वॉइस है, अभी भी रूम में हूँ। अब मैं चलो आपको बाहर लेकर चलता हूँ, ट्रैफिक देखना आप कितना होता है। ये इधर का आप ट्रैफिक देख पा रहे होगे कितना ट्रैफिक है, आवाज़ भी आपको बहुत ज़्यादा आ रही होगी, बट अब इसका हम ये ऑन करते हैं, नॉइज़ रिडक्शन ऑन करते हैं तब देखते हैं कितनी ये कैंसिल कर पाता है। ग्रीन लाइट हो गई है, इसका मतलब नॉइज़ रिडक्शन ऑन हो चुका है। अब देख रहे होंगे आप कि आवाज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई होगी, स्टिल ट्रैफिक अभी भी उतना ही है, काफ़ी है, तो अच्छे से नॉइज़ कैंसिल कर रहा है, और जैसे ही मैं शांत होता हूँ तब देखना ये कितना कैप्चर करता है। तो गाइस ये आपने देखा होगा यहाँ पर, अब मैं आपको यहाँ अपने फ्लैट से बाहर लेकर चलता हूँ सीधे क्राउड में, वहाँ पर उस जगह बिल्कुल चौराहे पर। नीचे जाने से पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब हम दोनों माइक यूज़ करेंगे, एक मैं और एक मेरा फ्रेंड लगाएगा, तब दोनों बात करते हैं तब कैसी आवाज़ आती है। तो अभी आओ आप मेरे साथ वो रूम में चल बैठ चलते हैं। हेलो हेलो, कैसे हो? तो कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, और तुम? बढ़िया बढ़िया। तो आप बताओ, आप अपने बारे में कुछ बताओ, ऐसे थोड़ा घूम के बैठ जाओ। माइक इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है, नॉइज कैंसिलेशन ऑन है दोनों के माइक में। बिल्कुल, अभी मैंने खरीदा है अमेज़न से। हाँ अभी इन्होंने खरीदा है, तो
अब अपने बारे में बताओ। बताना है, मैं हूँ तरुण और मैं हूँ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, वर्क कर रहा हूँ एक आईटी कंपनी में। तो ये था भाई के बारे में। अब इससे पता लग गया होगा आपको कि कैसी आवाज रिकॉर्ड हो रही है हमारे माइक से। तो अब हम नीचे चल के दिखाते हैं कि ट्रैफिक वगैरह में कैसी आवाज आती है। थैंक यू। थैंक यू। तो गाइस लेफ्ट के बाहर में आ चुका हूँ और ये नॉर्मल मोड पे सेट है, अभी नॉइज रिडक्शन ऑन नहीं है इसका, तो ऐसी आवाज़ आ रही है, आपको सुन लो। सभी यहाँ पर नॉर्मल क्राउड है, कोई ज़्यादा क्राउड तो है नहीं। अब इसका हम नॉइज रिडक्शन ऑन करके देखेंगे कि आवाज़ कैसी आती है। ये अब जो आवाज़ आने वाली है नॉइज रिडक्शन पर आने वाली है। अब ऑन कर चुके हैं इसका नॉइज रिडक्शन, तो आप वही इन्वायरमेंट में देखिए कैसी आवाज़ आती है। हम अपनी फ्रेंड का यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक वो आएगी उसके बाद रोड पे जाएंगे इसका टेस्टिंग करने, तब तक इसकी आवाज़ सुनिए। तो अभी के लिए इसको ऑफ कर देते हैं। Approximately 10 hours later. तो गाइस हमारी सालों सालों बाद दोस्त आ चुकी है और अभी भी ये नॉइस रिडक्शन पे चालू है। अब मैं रोड की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा हूँ, वो रही रोड सामने, तो आपको धीरे धीरे आवाज़ आएगी नहीं आएगी वो बाहर की, तो मेरे को बताना कमेंट करके। और इसके बाद मैं नॉइज़ रिडक्शन ऑफ कर दूंगा, वो भी दिखाने। चलो अभी से मैं नॉइज़ रिडक्शन ऑफ कर देता हूँ, रोड साइड पे दिखाता हूँ। अब इसका नॉइज़ रिडक्शन ऑफ हो चुका है, ये नॉर्मल चल रहा है अभी। तो अभी हम जा रहे हैं रोड की तरफ, बस थोड़ी सी दूर और। तो देखो हम आ चुके हैं यहाँ पर और नॉइज़ रिडक्शन वगैरह ऑन नहीं है, ऑफ पड़ा हुआ है वो अभी। तो ट्रैफिक लगा हुआ है, तो अभी ट्रैफिक चलेगा, अभी हॉर्न वगैरह भी मारेंगे वो, तो वो सारी चीज़ अब देखनी है। तो मेरे को लगता है यहाँ पर बहुत सारी आवाज़ आपको आने लगी होगी। चलो मैं बाहर जाके दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ हम ट्रैफिक पर खड़े हैं, काफ़ी ट्रैफिक है, तो यहाँ की बाहर की आवाज़ें भी आने लग गई होंगी आपको। और अब मैं इसका नॉइज़ रिडक्शन ऑन करके दिखा देता हूँ। अब इसका नॉइज़ रिडक्शन ऑन हो चुका है, तो आप मेरे को देख के बताओ, मतलब काफ़ी आवाज़ कम हुई नहीं हुई ये देख के बताना। गाड़ियाँ भी आ रही हैं उधर से, तो जब मैं शायद शांत होता हूँगा तब ये नॉइज़ रिडक्शन ऑफ हो जाता होगा, सबकी आवाज़ ऑफ हो जाती होगी। सब मेरे को देख भी रहे हैं, बट ये मेरा काम हो चुका है, अब मुझे शर्माना नहीं है। तो जो भी नए न्यू ब्लॉगर हैं उन वो भी उनको भी नहीं शर्माना है इस चीज़ से, हेजिटेट नहीं होना। तो नॉइज़ रिडक्शन ऑन है हमारा, मैं अभी शांत हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। नहीं दिख रहा होगा चेहरा, कोई बात नहीं, आवाज़ आनी चाहिए, आवाज़ की टेस्टिंग हो रही है मेरे चेहरे की थोड़ी। और थोड़ा चल के दिखाता हूँ मैं रोड की। ये नॉइज़ रिडक्शन कैसे हो सकते हैं, बहुत हॉर्न है, बहुत हॉर्न है। अब तो पहचान गए होंगे कैसा है कैसा नहीं। अब मैं इसका नॉइज़ रिडक्शन ऑफ कर देता हूँ मार्केट में, तब देखना। अब इसका नॉइज़ रिडक्शन ऑफ हो चुका है, अब देखो आप कितनी सारी आवाज़ आ रही होगी। तो चलो अब चलते हैं, आपने पहचान ही लिया होगा। चले तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस मैं यहाँ तक आया था, सोचा मार्केट में भी आया हूँ तो इसके भी नॉइज़ कैंसलेशन दिखा दूँ। ये ग्रीन लाइट पे ये नॉइज़ रिडक्शन ऑन है, तो देखिए कितनी ज़्यादा आवाज़ है। और नॉर्मल आवाज़ देखोगे तो इसको मैं ऑफ़ करता हूँ नॉइज़ रिडक्शन को। अब देखो चलें, नॉइज़ रिडक्शन ऑफ कर दिया है, तो अब तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी। तो अब देख लो कितनी सारी आवाज़ें आ रही हैं, डिफरेंस देखो डिफरेंस। ऑन कर देते हैं अब नॉइज़ रिडक्शन को। बूम, नॉइज़ रिडक्शन ऑन होते ही देखो आवाज़ में कितना डिफरेंस आ जाता है। तो नॉइज़ रिडक्शन वगैरह सब देख लिया है, अब इसके रेंज टेस्ट करते हैं। गाइस रेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो रेंज टेस्ट करने के लिए मेरे को लगता है, मेरे को तुम बिजी हो गया कहीं, जल्द जाना है क्या तुम्हें अपने फ्लैट पे? फिर तो मेरा ब्लॉग ख़राब हो जाएगा। तो गाइस अब टाइम आ चुका है, हम इसकी रेंज चेक करते हैं। ये नॉइज़ रिडक्शन ऑफ हो रखा है इसका, तो इसी पे चेक करते हैं। मैं वहाँ पे जाऊँगा तब नॉइज़ रिडक्शन देखते हैं कि कितना ऑफ होता है कितना नहीं। तो चलते जाते हैं, पीछे चलते जाते मैं मुड़ के भी जाऊंगा कि अगर उससे बैक हो जाता तो आवाज़ आती है कितनी आती है, कटती है नहीं कटती। तो आप देख के बताओ आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, कैसी आ रही है। अगर कुछ भी कमी है, कुछ भी आपको लग रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो।
सारी चीज़ें। अब हम एक काम करते हैं, इसका बहुत दूर आ चुका हूँ मैं, इतना दूर तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बट तो गाइस अभी नॉइज रिडक्शन ऑन हो चुका है। तो देखो सामने हूँ हमारे उस मतलब कैमरे के मैं सामने हूँ। अब मैं अपना फेस कवर कर लेता हूँ, तब आवाज़ आती है नहीं आती, कटती है कि नहीं कटती। देखो अब आवाज़ कट रही है नहीं कट रही है, वो मेरे को बताओ आप कमेंट करके। तो अब मैं वापस से फेस दिखाता हूँ, नॉइज़ रिडक्शन पे है ये, और इसी रेंज पे अगर मैं नॉइज़ रिडक्शन ऑफ कर देता हूँ तब देखते हैं, अगर चेहरा मैं बैक कर लेता हूँ अपना फेस तो कटती है आवाज़ कि नहीं कटती। ये हो चुका है अब नॉर्मल मोड, और अपना मैंने अपना चेहरा पीछे कर लिया है, तो देखो आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। ये बहुत दूर आ चुका हूँ, मतलब मैं आपको दिख भी रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ पता नहीं पड़ रहा होगा आपको। तो अब फेस की तरफ से मैं सामने से आ रहा हूँ, अब देखते हैं कि कितनी आवाज़ आ रही है कितनी नहीं आ रही। टिंग डिंग 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 डिंग, नॉइज़ रिडक्शन ऑन कर लेते हैं। नॉइज़ रिडक्शन ऑन हो चुका है, अब आ रही होगी आवाज़, अब ऑफ़ कर लेते हैं। ऑफ हो चुका है, नॉर्मल पे चल रही है आवाज़। चलो अब देखो ये ऑन कर लेते हैं। यहाँ पीछे मार्केट है, पीछे मार्केट का भी दिखा देना। देखो गाने भी चल रहे हैं पीछे, जब मैं शांत हो जाऊँगा तब सुनना। नॉर्मल मोड पे नॉइज़ रिडक्शन ऑफ करके नॉर्मल मोड पे सुनते हैं, देखो आपको गाने की आवाज़ आने लगेगी होगी। तो गाइस अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, हमने सारी टेस्टिंग बता दी है इसकी। रूम में टेस्ट कर लिया, ट्रैफिक में टेस्ट कर लिया, रेंज टेस्ट कर ली, मार्केट में टेस्ट कर लिया, तो इससे ज़्यादा अच्छी टेस्टिंग की बोया माइक की किसी ने करी नहीं होगी। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके ज़रूर बताना टेस्टिंग कैसी लगी। बाय गाइस, थैंक यू।